और सीधे आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सैफई के लिए रवाना होंगे। रायपुर से पहले भोपाल का रुख करेंगे मुख्यमंत्री। मुलायम सिंह जी के अंतिम यात्रा में शामिल होने का निर्देश प्राप्त हुआ है और उसी के तहत अभी मैं भोपाल जाऊंगा, भोपाल से कमलनाथ जी को लेकर फिर सैफई जाऊंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही है और ईडी, आईटी, डीआरआई इसके माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये फिर आएंगे और ये आखिरी नहीं है, इसके बाद और आएंगे। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा इनके यात्राएं, इसके दौरा और बढ़ेंगे और डराने धमकाने का ही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए, अब ये तो परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं पहले ही कहा था कि 6,500 करोड़ का चिटफंड कंपनी के पैसा डूब गया लोगों का, उसमें संज्ञान लें, उसमें कुछ करेंगे नहीं। अभी डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये बार बार आएंगे, लेकिन जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं पा रही है, तो ये सेंट्रल एजेंसी के दुरुपयोग कर रही है। साठ गांठ तो इनके रहे हैं, इनके कार्यकाल पूरा उठा के देख लो, रसीद देते हुए, चंदा देते हुए और यहाँ मंत्रियों के यहाँ आते हुए। और सबसे बड़ा उदाहरण तो जीरम घाटी है, जो आपराधिक राजनीतिक षड्यंत्र रहा है, उसमें तो कुछ कर नहीं रहे। भीमा मंडावी के बारे में ही, स्वर्गीय भीमा मंडावी जी जो इनके विधायक थे, राज्य पुलिस जांच कर रही थी, उसको एनआईए ने ले लिया। कितने साल हो गए लोकसभा चुनाव के समय कहे, और आज तक कुछ हुआ उसके बारे में पत्र क्यों नहीं लिखते अरुण साहु जी? एनआईए जांच कर रही है और उसमें क्या मिला, प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं। थैंक यू। अध्यक्ष प्रदेश मंत्री मुलायम सिंह यादव की अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होने के निर्देश उन्हें मिले हैं। सोनिया गांधी की तरफ से शामिल होने के निर्देश उन्हें अंत्येष्टि कार्यक्रम में मिले हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर से भोपाल के लिए फिलहाल रवाना हुए, जहां से वो सैफई जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आज विभिन्न जगहों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई हुई, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और अपने बयान को याद दिलाया कि मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह की रेड छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर से रवाना हो रहे हैं भोपाल के लिए।